उदाहरण सात प्रश्न दिए गए चित्र उन्तीस में यदि पी क्यू समांतर आर एस कोण एमएक्स क्यू बराबर सौ पैंतीस अंश और कोण एम वाई आर बराबर चालीस अंश है तो कोण एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए हल दिए गए चित्र में एम से गुजरने वाली और पी क्यू के समांतर रेखा ए बी खींची अब चित्र क्रमांक तीस में आप देखिए ए बी समान्तर आर एस और पी क्यू समांतर आर एस हैं आप लिख सकते हैं कोण क्यू एक्स एम धन कोण एक्स एम बी बराबर एक सौ अस्सी अंश समीकरण नंबर पहला क्योंकि ए बी समांतर पी क्यू है और तिरक रेखा एक्स एम के एक ही ओर के कोण हैं इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण क्यू एक्स एम धन कोण एक्स एम बी बराबर एक सौ अस्सी अंश पुनः चित्र तीस देखिए स्पष्ट हो जाएगा कोण क्यू एक्स एम बराबर एक अंश इसलिए हम समीकरण एक से लिख सकते हैं 135 अंश यहां पे मान रखने पर धन कोण एक्स एम बी बराबर 180 अंश या कोण x mb बराबर 180 अंश ऋण 135 अंश या हम लिख सकते हैं कोण x mb बराबर 45 अंश समीकरण नंबर दो पुनः आप देख सकते हैं कि रेखा ए बी और आर एस समांतर हैं और कोण बी एम वाई और कोण एम वाई आर एकांतर कोण हैं इसलिए हम लिख सकते हैं कोण बी एम वाई बराबर कोण एम वाई आर समीकरण क्रमांक तीन चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण एम वाई आर बराबर चालीस अंश इसलिए हम समीकरण तीन से लिख सकते हैं कोण बी एम वाई बराबर चालीस अंश समीकरण चार समीकरण दो और समीकरण चार को जोड़ने पर कोण धन कोण b m y बराबर पैंतालीस अंश धन चालीस अंश चित्र देखिए चित्र से स्पष्ट हो जाएगा कि कोण x m b धन कोण b m y बराबर होगा कोण x एम वाई और इस तरफ पैंतालीस अंश और चालीस अंश का जोड़ हुआ पचासी अंश इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होता है कोण एक्स एम वाई बराबर पचासी अंश